क्या सचिन पायलट सहित सभी 19 विधायक देंगे इस्तीफा? कांग्रेस के सियासी घमासान की सबसे बड़ी खबर जानकार सूत्रों के हवालों से आ रही है। सचिन पायलट खेमे के सभी विधायक दे सकते हैं इस्तीफा, विधानसभा की सदस्यता से दे सकते हैं इस्तीफा, अपना राजनीतिक भविष्य बचाने के लिए दे सकते हैं सचिन पायलट सहित सभी विधायकों के इस्तीफे की खबरें अब सामने आ रही हैं। आप समझिए कि इस्तीफे के तीन प्रमुख कारण कौन से हैं। पहला, कांग्रेस में वापस लौटकर सचिन पायलट नहीं कर सकते अपने स्वाभिमान से समझौता। दूसरा, बीजेपी को संख्या बल के हिसाब से नहीं है अब पायलट खेमे की जरूरत। वही तीसरा, मोर्चा बनाना और उसे सफल करने जैसी स्थिति में नहीं है अभी पायलट खेमा। तीसरा कारण, अगर विधायक दल की बैठक में नहीं आकर विहिप का उल्लंघन करते हैं या पार्टी के विरुद्ध वोटिंग करते हैं तो किया जाएगा पार्टी से निष्कासित और साथ में 6 साल के लिए चुनाव लड़ने पर भी बैन लगेगा। इसे राजनीतिक भविष्य बचाने का सबसे बेहतर उपाय होगा इस्तीफा देना। उसके बाद उपचुनाव में जीत के साथ बनाई जा सकती है अपनी उपयोगिता, क्योंकि अभी राजस्थान की सियासत किस करवट बैठेगी यह तय होना अभी बाकी है। लेकिन पक्ष विपक्ष के नेताओं की बैठकें जारी हैं। इस बीच मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जैसलमेर के सूर्यगढ़ फोर्ट पैलेस पहुंचे, जब कांग्रेस विधायक दल की बैठक हुई। विधायक दल की बैठक से बड़ा सियासी संदेश निकला है कि पायलट कैंप के लिए कांग्रेस के दरवाजे अब लगभग बंद बताए जा रहे हैं। इस बैठक में विधायकों ने सचिन पायलट सहित बागियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग करी है। इस पर प्रदेश कांग्रेस प्रभारी अविनाश पांडे ने आश्वासन दिया कि बागियों की अब हाईकमान के सामने पैरवी नहीं होगी। इस बैठक के दौरान शांति धारीवाल सचिन पायलट पर जमकर बरसे। वहीं सीएम अशोक गहलोत ने कहा कि जीत हमारी और सत्य की ही होगी, हमारे विधायकों की एकता अटूट है। विधायकों की एकता की वजह से ही बीजेपी को बाड़ाबंदी के लिए मजबूर होना पड़ा। गहलोत ने कहा कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह क्या चाहते हैं ये किसी से छिपा नहीं है। बीजेपी के साजिश की पोल खुल चुकी है, ये बीजेपी के कई विधायक भी जानते हैं। पार्टी में गुटबाजी चरम पर है। 2 दिन पहले पायलट गुट के विधायक वेद सोलंकी ने साफ किया कि उनकी कांग्रेस आलाकमान से कोई बात नहीं हुई। कांग्रेस आलाकमान की तरफ से किसी ने अब तक पायलट गुट के विधायकों से संपर्क नहीं किया है। वही पायलट गुट के ये विधायक 14 अगस्त से शुरू हो रहे विधानसभा सत्र में हिस्सा लेंगे या नहीं, यह अभी तय होना बाकी है। अब इस राजनीतिक उठापटक के हिसाब से देखा जाए तो सचिन पायलट ग्रुप 14 अगस्त से पहले अपना इस्तीफा दे सकता है। अब तक के लिए सिर्फ इतना ही। ताजा तरीन खबरों के लिए आप देखते रहिए करंट न्यूज़। धन्यवाद।